खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। चतरा में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। जिले की पथलगढ़ा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाकर 2 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों को गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के उपरैली कुब्बा गांव स्थित संतोषी मंदिर इलाके से हुई है। थाना प्रभारी निरंजन कुमार मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुब्बा इलाके में अफीम तस्करी के फ्राक में कुछ तस्कर सक्रिय हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए SDPO सिमरिया बच्चन देव कुजूर के नेतृत्व में गांव में छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ही 2 किलो 100 ग्राम गीला अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि तस्करों के पास से बिना नंबर का एक हीरो स्प्लेंडर बाइक व 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। बरामद अफीम का बाजार मूल्य करीब 2 लाख रुपए तक आंका जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों में से एक सदर थाना क्षेत्र के असड़िया गांव और दूसरा पथलगाड़ा थाना क्षेत्र के कोशिलबारा कोरचा टोला का रहने वाला है। दोनों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। खिलाफ और अफीम तस्करी, इसमें हमारा प्रायोरिटी रहे, इस पर हमारा विशेष ध्यान रहे। अफीम की जब भी हमें सूचना मिलती है हम इस पर कार्रवाई करते हैं। अभी वहीं पथलगढ़ा थाना में भी अफीम की बरामदगी हुई है, उसमें अफीम की तस्करी में जो भी लोग संलिप्त हैं उस पर कार्रवाई की गई है और करते हुए जाएगी। चतरा से साफ फहद अली की रिपोर्ट।